अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे हलाल रिस्क में बहुत इजाफा फरमाए और हमारे दस्तरखानों को भरा हुआ रखे, आमीन सुमामीन। जी व्यूअर्स, आज आपके सामने यूनिक आइडियाज इस समरा में मैं हाजिर हो गई हूँ एक बहुत मज़ेदार और एक इंस्टेंट शेक लेके। जी आज मैं आपको सिखा रही हूँ डेट एंड आलमंड शेक, यानी खजूरों और बादामों का शेक, और बहुत मुफीद शेक है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग कमज़ोर होते हैं, मतलब हेल्थ वाइज जो लोग वीक हैं या इंटरनल उनको वीकनेस है, अगर वो इस मिल्क शेक का इस्तेमाल करें तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल मिल्क शेक है, और इसके पीने से आपकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिनको अक्सर होता है, अक्सर औरतों को वीकनेस हो रही होती है, तो अगर वो भी इसका इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह ताला उनकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। और आप ये लोग, आप ये जो मिल्क शेक है जो मैं बता रही हूँ खजूर और आलमंड का, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, और जो जो लोग भी कमज़ोर हैं या जिनको भी वीकनेस है उन सब के लिए बहुत मुफीद है। तो जी आइए अपने इन्ग्रीडियंट्स को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, मैंने तकरीबन ले लिया है 2 गिलास मेरे पास दूध है, और 7 से 8 मैं ले लूँगी खजूरें, और खजूरों को वॉश करके और आप इनकी गुठलियाँ निकाल लें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मेरे पास चीनी है, और 7 से 8 मैं बादाम ले लूँगी। तो आइए जी अपने शेक को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें मैंने तकरीबन 7 से 8 खजूरें ले ली हैं, और इनको जो इनकी गुठलियाँ हैं वो मैंने निकाल दी थी, और इनको वॉश में, और अब ये मैंने कैसे किया है कि मैंने अपना शेकर ले लिया, और इसमें तकरीबन 2 गिलास मेरे पास दूध है जो मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, प्लस जो खजूरें मैंने जिनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, आपके सामने है। इसके साथ तकरीबन 8 से 9 बादाम जो हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। तो ये जी बादाम भी मैंने ऐड कर दिए हैं, आपके सामने हैं। और इसके साथ तकरीबन मेरे पास 1 टेबलस्पून चीनी है, चीनी मैं ऐड कर देती हूँ। चीनी इसलिए थोड़ी ऐड कर रही हूँ कि आपको पता है खजूरें बाजार से खुद भी बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, और अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, वरना नहीं भी करें, और आप शक्कर भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इसको शेक करते हैं। जी व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से आपके सामने अपने शेकर में शेक कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए तकरीबन, ये मेरे पास एक बाउल है, आप देख रहे हैं क्रश हुई बर्फ़ है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, और 1 मिनट तक हम इसको फिर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये आपके सामने मैंने इसमें एक बाउल बर्फ़ का डाल के इसको अच्छे तरीके से फिर मैंने शेक कर लिया है। तो आइए अब इसको अपने सर्विंग ग्लासेस में डालते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए मेरे सामने 2 ग्लासेस हैं, इसके अंदर ये मैं ऐड कर रही हूँ अपना डेट एंड आलमंड शेक जो है, ये हम लोग इसको फिल कर लेते हैं अपने शेक से, और ये एक और मैं गिलास ले लेती हूँ, इसको भी मैं फिलअप कर लेती हूँ, ठीक है। ये जी, अगर आपने ऐसे सर्व करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये मैंने डाल दिए सारा अपना शेक। अब ऐसे करूँगी कि मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा खोया, और उसको मैं, ये खोया है मेरे पास, और ये देखें आपके सामने ये मेरे पास खोया है, तो इसको मैं थोड़ा सा, ये मेरे पास खोया है उसको मैं थोड़ा सा ग्रेट कर रही हूँ इसके ऊपर डालने के लिए। ये देखें, एक बहुत मज़ेदार जो है वो टेस्ट आएगा इसका, खोए का भी एक अपना ही लाजवाब टेस्ट होता है। तो ये मैंने इसको क्रश कर लिया थोड़ा सा, और ये इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत लाजवाब ये शेक बनेगा, और फुल ऑफ एनर्जी होगा, यकीन माने बहुत मज़ेदार बनेगा, और आप पियेंगे तो इतना आपको मज़ा आएगा कि आप इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे। और इसके साथ थोड़ी सी इसको आलमंड्स को मैं क्रश कर रही हूँ, और वो भी बीच में ऐड कर लेते हैं। ये इसमें मैंने क्रश हुए आलमंड्स थोड़े से ऐड कर दिए हैं, जो इसके फ्लेवर को भी बहुत इन्हेंस करेंगे और इसकी खूबसूरती को भी इन्हेंस करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ऊपर से मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ उसमें चॉकलेट, ताकि अगर कोई बच्चे नहीं पीते तो वो बहुत इजीली इसको पी लेंगे, क्योंकि बच्चों को आपको पता है चॉकलेट बहुत पसंद होती है, तो आप उनको देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो जो है उनको बहुत पसंद आएगा ये, और इजीली वो बच्चे पी भी लेंगे, ठीक है। ये मैंने चॉकलेट थोड़ी सी ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं अपने ब्यूटीफुल जो है स्ट्रॉज वो ऐड करती हूँ, ठीक है जी। और ये आपके सामने जी मेरा डेट एंड आलमंड शेक जो है वो रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा शेक जो है वो बहुत पसंद आएगा, और ऐसे कर बस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा डेट एंड, जी व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आलमंड एंड डेट शेक बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अगर आप कोई और रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और लाइक और डन लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबालें, ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।